हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पे बेस्ड, यानी अगर आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, या कम्युनिकेशन कम है आपके बीच, क्लैरिटी कम है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, शायद ये आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में आजकल चल क्या रहा है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। स्ट्रेंथ, स्टार, सेवन ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ वाटर। आई थिंक ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया है कि आपका और उनका ब्रेकअप हो चुका है, या वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आप सरेंडर नहीं करेंगे। अगर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपने सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया है, आपने अपनी शर्तों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। एंड बहुत सारे केसेस में स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने अपना कमिटमेंट तोड़ा है, आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे वो हर्ट हुए हैं। बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपके व्यूज, आपके फ्रीडम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको ये पर्सन अपने जीवन में इसलिए चाहिए था क्योंकि आप इन्हें प्यार करते थे, और बस आपको इनकी कंपनी अच्छी लगती थी, आपका इससे कोई स्वार्थ नहीं था। आप इनके साथ इसलिए नहीं थे कि आपको इनसे कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा था, या किसी तरीके का सपोर्ट मिल रहा था, किसी और तरीके की स्टेबिलिटी, नहीं, कुछ भी नहीं। इस पर्सन को इस बात से डर लगता है कि वो आपकी जरूरत नहीं बन सकते। उन्हें इस बात का कोई रीजन नहीं नजर आ रहा है कि आप उनके पास वापस जाएंगे। और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ वो आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सन की तरह देख रहे हैं। शायद उनके लाइफ में पहले भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, शायद ये पर्सन कई लोगों के साथ इंट्रैक्शन में रहा है, कई लोगों के साथ इनके रोमांटिक इंटरेस्ट रहे हैं, शायद पहले भी इन्होंने ऐसा किया है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, स्पेस नहीं दिया है। मगर फिर भी वो लोग इमोशनली कमजोर होने के कारण इनके पास वापस आते रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें हमेशा इस बात में प्राइड फील होता था कि ये उन्हें इग्नोर करते थे। मगर इस बार जिससे वो डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, उसके बारे में इन्हें जो सबसे आश्चर्यजनक बात लगती है वो ये है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हैं, जबकि आप दिखते बिल्कुल एक सॉफ्ट इंसान की तरह है, एक जेंटल इंसान की तरह है। आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, आप सेंटिमेंटल इंसान है, आपके इमोशंस स्ट्रांग है, और इतना सॉफ्ट अप्रोच होते हुए भी आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कहां से आ गई? आपने कैसे इस पर्सन को अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया? कैसे आप आगे बढ़ गए? एंड शायद इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट दे रहा है, जो आपको ताकत दे रहा है। यहां आप देख रहे हैं एक लायन है, हो सकता है कि आप लिटरली भी किसी लियो से डील कर रहे हो सकता है कि ये कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपके आसपास ऐसा पर्सन हो जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कोई समझा रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में कैसे डील करना है, क्योंकि आपके सॉफ्ट बिहेवियर के कारण उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी पावर हो सकती है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रारी है, ये बिल्कुल अपोजिट है, आउट ऑफ इमेजिनेशन है उनके लिए। यहां मैसेंजर ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन लगातार सोच रहा है कि आप एक्चुअली में थे कौन। आई मीन उन्हें लग रहा है कि
क्या आप ही उनके सोलमेट थे या ट्विन फ्लेम थे? क्योंकि मुझे नहीं लगता जब तक आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे ये सीरियसली बातों को ले रहा था। इन्हें लगता था कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, जैसे इन्होंने पहले भी लोगों को लिया है या अपने लाइफ में हर किसी को लिया है। इस पर्सन का बिहेवियर ही यही है। एंड अब उन्हें लग रहा है जब आप चले गए हैं, जो फीलिंग्स उनके अंदर है, अब वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि उन्होंने क्या खोया है। क्या आप ही उनके लिए सबसे परफेक्ट वन थे, क्या आप ही उनके सोलमेट थे, और क्या उन्होंने आपको खो दिया? इस सवाल का जवाब वो लगातार खोज रहे हैं इस मंथ में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ एयर इन रिवर्स, फाइव ऑफ फायर, नाइन ऑफ वाटर, फाइव ऑफ वाटर, एट ऑफ एयर इन रिवर्स। पता नहीं इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आपको दूसरे लोग गाइड कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको गाइड कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बच्चे हैं और आप बहुत इनोसेंट हैं एंड आपको कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि आप इमोशनली उनको ऐसे इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसके पीछे जरूर कोई और होगा, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। एंड एट ऑफ एयर के साथ वो आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके फैमिली सर्कल को और जो कोई भी आपसे मिल रहा है, हर किसी को इस ब्रेकअप के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। मन ही मन उनका मन करता है कि वो आपको इन सब लोगों से अलग कर दें और इन सब लोगों को आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दें, ताकि आप हमेशा के लिए उनके मैनिपुलेटिव बिहेवियर में फंसे रहे, क्योंकि आदमी मैनिपुलेटर है या आदमी मैनिपुलेट करना जानता है अच्छी तरह से आपको, ये जो भी पर्सन है, कि हर किसी के साथ मैनिपुलेशन का गेम खेलता है। एंड अगर फाइव ऑफ फायर देखें, फाइव ऑफ फायर के साथ ये डिफेंड कर रहे हैं अपनी हरकतों को कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया। हर चीज का इनके पास एक एक्सक्यूज है, हर चीज का एक बहाना है। एंड इसी के चलते ये पर्सन यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी एक्सक्यूज को, किसी भी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप पे कोई चीज असर नहीं कर रही है, और ये चीज कहीं ना कहीं उनको बहुत हर्ट कर रही है। हालांकि वो खुल के आपसे नहीं कह रहे हैं कि एट ऑफ एयर की सिचुएशन की वजह से आप मुझसे दूर हैं, दूसरे लोगों को अपने लाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि नाइन ऑफ वाटर के साथ कहीं ना कहीं वो विश कर रहे हैं कि आप खुद ब खुद अपने इमोशंस के कंट्रोल में आए, आप खुद ब खुद उनके पास चले जाएं, उन्हें आपको अप्रोच करने की जरूरत ना पड़े एंड सारी चीजें अपने आप हो जाए। फाइव ऑफ वाटर के साथ इन्हें इस बात का अफसोस जरूर है कि उन्होंने आपको मौका दिया, उनकी हरकतों की वजह से आपको मौका मिला दूसरों के कांटेक्ट में आने का, दूसरों के इतने क्लोज आने का, दूसरों को भी मौका मिला आपको एडवाइस करने का इस रिलेशनशिप के बारे में। इस चीज को लेके वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्होंने अपने लिए दरवाजे खुद बंद किए हैं, अब चाहे रीजन इसका कुछ भी हो। चलिए देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, सो इन्हें लगता है कि आप हर चीज की इज्जत करते हैं जो उन्हें पसंद है, आप उनके हर डिसीजन की इज्जत करते हैं। मगर फिर अब आप ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? डेफिनेटली इसके पीछे कोई और होगा, ये आप तो हो ही नहीं सकते।
यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, इन्हें लगता है कि आप बहुत क्यूट हैं एंड अडोरेबल हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इन्हें लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक सॉफ्ट पर्सन की तरह है, आप क्यूट हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप सॉफ्ट हैं एंड एंजेलिक हैं। सो इस पर्सन को ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। यू आर वेरी फॉरगिविंग, और इन्हें लगता है कि आपका हार्ट जो है वो बहुत बड़ा है, आप बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, इसीलिए इनके लिए बिलीव कर पाना मुश्किल हो पा है हो रहा है कि आप ये कर कैसे रहे हैं, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर कहां से आ रही है। तो ये थी रीडिंग करंट फीलिंग्स की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।